हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 साइंस। चैप्टर इज सॉइल। बेटा दिस इज़ योर 9th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉइल चैप्टर हमने पढ़ना है, तो इसके बारे में इस चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कुछ चीज़ें हैं हमें पहले पता होना चाहिए ताकि हम चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी पहले फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ओके बेटा, फर्स्ट इज सॉइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ अवर बायोस्फेयर। अपने बायोस्फीयर का सबसे इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कॉम्पोनेंट, जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है, वो कौन सा है? डैट इज़ सॉइल। ठीक है, अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स आपने डिटेल में पढ़े हुए हैं अपने चैप्टर्स में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये बायोस्फीयर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है सॉइल, बिकॉज सॉइल के बिना भी देखा जाए ना, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखो हमारा, अगर बाकी हम कहते हैं वाटर है, लैंड है, तो वाटर से हमारा हाइड्रोस्फेयर है, लैंड से हमारा लिथोस्फेयर है, बट वाटर में लाइफ पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा पूरा 24 आवर्स आप वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, राइट? इन द सेम वे लिथोस्फेयर लैंड पे, अगर ए बायोस्फेयर ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो आप लैंड पे नहीं रह सकते हो। सो बायोस्फीयर एक वो जगह है जहाँ पे एक वो लेयर है जहाँ पे आपकी लिथोस्फीयर भी है, जहाँ पे आपका एयर भी है, वाटर भी है, लैंड भी है, सबका मिक्सचर है। वो एटमॉस्फेयर की लेयर को हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमारी लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है सॉइल। सॉइल जैसे आपने 6 में भी पढ़ा, सॉइल कंटेन्स एयर, सॉइल में एयर होती है। हमने पढ़ा था ना 6 क्लास में कि सॉइल कंटेन्स एयर। सो आप कोई भी सॉइल का पार्ट लोगे, सॉइल को आप टेस्टिंग करोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सॉइल में एयर होती है। सो और जो सॉइल क्यों चाहिए, प्लांट्स जो है हमारे किस में ग्रो होते हैं? सॉइल में ग्रो होते हैं, और वो सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अपने आप मिल जाते हैं। तो अगर देखा जाए प्लांट्स हम क्यों ग्रो करते हैं, प्लांट्स हम ग्रो करते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन मिले, ताकि हमें उनसे फूड मिले, और इसीलिए करते हैं ना हम। तो जो वो सॉइल के बिना पॉसिबल नहीं है। देन जो सॉइल है वो काफ़ी ऑर्गेनिजम्स का होम है। देखा जाए आप देखो, ये अर्थ वॉर्म्स है, स्नेल है, इन ये सारे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जो हैं वो सारे सॉइल में ही रहते हैं। सो ये इनका होम है। अगर सॉइल नहीं होगी तो ये लोग, ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहेंगे? देन सॉइल कंटेन्स एयर, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 6 क्लास में कि सॉइल में हवा होती है। एंड एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सॉइल। अगर सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, मीन्स क्रॉप्स नहीं होंगी, आप खाना कैसे खाओगे? सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट सॉइल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, अब हम आगे डिस्कस क्या करना है। नाउ कम्स कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है, ये आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि सॉइल को अगर आप सॉइल लो, उसका लूज मटेरियल, जो एक लूज मटेरियल होता है, उस वो अर्थ क्रस्ट के सबसे ऊपर वाले अपर मोस्ट लेयर पे अवेलेबल होता है, आप इजीली ले सकते हो उसको, हम सॉइल, वो सॉइल होती है। उस सॉइल को अगर हम पानी में डाल दें तो आपको जैसे राइट साइड पे आपको एक पिक नज़र आ रही है, ग्लास में पानी में सॉइल के अलग अलग लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, तो ऐसे आपको नज़र आएगा। अभी पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, सैंड एंड अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स कॉल्ड ह्यूमस। सॉइल के बीच में रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं, सैंड भी होती है, और एनिमल और प्लांट्स का डेड और डिकेइंग मटेरियल जो होता है वो भी होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, मींस सॉइल के बीच में क्या है, ह्यूमस भी है, रॉक पार्टिकल्स भी हैं, सैंड भी है, सब कुछ है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है सॉइल के, वो कौन से हैं, ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है और क्ले है।
और एयर एंड वाटर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल, वो हम कर ही चुके हैं, एयर एंड वाटर सॉइल में होता है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको स्लाइड पे जो आपकी पिक लगी हुई है वो मैंने एनसीईआरटी से ली है, ये पिक से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अगर आप सॉइल, थोड़ी सी सॉइल लो और एक ग्लास में, पानी के ग्लास में डाल दो तो आपको ऐसे नज़र आएगा। तो ये देखो, सबसे जो नीचे वाली लेयर होगी वो कौन सी, जो हैवी चीज़ होती है पानी में डालो वो नीचे बैठ जाती है, वो कौन सी होती है, ग्रेवल्स। ग्रेवल्स में जो छोटे छोटे आपके रॉक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो सारे नीचे चल जाएंगे। उससे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, सैंड की, ये सैंड है। उसके ऊपर और हल्की क्ले, उसके ऊपर और हल्का वाटर, और वाटर के ऊपर जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स होंगे वो ह्यूमस होगा। तो ठीक है, अगर आपको सॉइल की कॉम्पोजिशन में कोई आपसे क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में, तो आपने उसको जब सॉल्व करना है तो आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है कि ग्रेवल सबसे नीचे होता है, सारी लेयर्स आप दिखाओगे, ग्रेवल सबसे नीचे होता है, फिर सैंड, फिर क्ले, देन वाटर एंड देन ह्यूमस। इनको आप बनाने के लिए आप जब ये पिक्चर ड्रॉ करोगे तो आप इसमें कलर का जो आप कलरिंग करोगे, डार्क कलर, लाइट कलर, उससे आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, सारी लेयर्स अलग अलग दिखा सकते हो। ठीक है बेटा, हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि हमारी सॉइल कैसे बनी। अब ये बात आती है ना कि सॉइल कैसे बनी, सॉइल में क्या क्या है, वो तो हमने कर लिया, पर हमें ये तो पता नहीं सॉइल हमारी बनी कैसे है। ये हम फॉर्म्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ बनी थी तब की बात है, वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज्ड फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। जब अर्थ बनी थी तब क्या होता, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, धरती से जब वॉल्केनो फटे तो लावा निकला, बहुत वार्म निकली, उसके कारण आपके इग्नियस रॉक्स बने। सबसे पहले धरती पे क्या बना था, इग्नियस रॉक्स बने थे। फिर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दीज रॉक्स गॉट ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीसेज एंड लेटर इंटू सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड, क्लाइमेट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज वेदरिंग। जब वो इग्नियस रॉक्स बने, फिर बहुत, मतलब हजार सालों तक, बहुत टाइम लगता है सॉइल को बनने के लिए, हजार सालों तक जो है इन रिए जो रॉक्स धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में टूटने शुरू हो गए, छोटे पार्ट्स में शुरू हो गए, और फिर उसके बाद इतना नहीं छोटे हो गए कि वो सॉइल में, सॉइल बन गए। सॉइल कैसे बने, आपका इतने हजारों सालों में विंड का, क्लाइमेट का, वाटर का, सबका प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, उसके कारण वो जो आपकी रॉक्स थी वो आपकी सॉइल में कन्वर्ट हुई। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। सम टाइम्स आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वेदरिंग प्रोसेस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देन कम्स वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू इवन फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। आप देख लो, 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स में बहुत स्लो प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए, ठीक है बच्चे। सम टाइम्स आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, तो उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि आप वेदरिंग प्रोसेस लिख सकते हो कि वॉल्केनिक एरप्शन के कारण इग्नियस रॉक्स बने, फिर उसके बाद में वाटर, एयर और हीट के प्रेशर से वो छोटे छोटे पीसेस में टूटे और फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। नाउ कम सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मीन सॉइल की, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सॉइल की कॉम्पोजिशन की, अगर आप थोड़ी सी सॉइल लो उसमें क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया, और सॉइल कैसी बनती है। अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल प्रोफाइल मीन्स जो आपके, आप देखते हो एग्रीकल्चरल लैंड में जब सॉइल पड़ी है तो सॉइल में उप लेयर्स होती हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर में, सेकंड मोस्ट लेयर, वो सारी लेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, इसमें लेफ्ट साइड में आपको पिक बनी हुई है जिसमें आपका सॉइल प्रोफाइल बताया हुआ है कि सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल में हमारी 4 लेयर्स हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड डी आर हॉरिजन। जो आर हॉरिजन है बच्चे, ये आपके लेवल पे, इसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं। Another name of our horizon for your class is bedrock, ठीक है।
हम अब हम ये जो है जो वर्टिकल सेक्शन ये दिखाया जाता है हमारा सॉइल का, जिसमें हमारी सारी सॉइल की कैसे हमारी सॉइल अरेंज हुई हुई है, कैसे लेयर्स में अरेंज हुई हुई है, उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग इट्स वेरियस लेयर्स इज टर्म्ड एज सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, ईच लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज टर्म्ड एज हॉरिजन। देखो अगर आप इसको केयरफुली देखो, इसको ऑब्जर्व करो, तो ए हॉरिजन है, बी हॉरिजन है, सी हॉरिजन है एंड आर हॉरिजन है, सबके आगे हॉरिजन है। तो हर एक लेयर को क्या नाम दे के रखा है, हर एक लेयर को हॉरिजन के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में ए बी सी और आर दिए हुए ताकि वो डिफ्रेंशिएट करें। ये जो आपकी लेयर्स हैं वो सारी लेयर्स स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, डैट इज़ योर ए हॉरिजन। टॉप सॉइल को हम ए हॉरिजन भी कहते हैं, और ये कब तक चलती हैं, और आर हॉरिजन चलती है जिसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ अब सबसे पहले ए हॉरिजन जो हमने किया टॉप मोस्ट लेयर, अब उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं। तो ए हॉरिजन जो टॉप लो मोस्ट लेयर है सॉइल की, उसको उसका नाम है, ये जो अपर मोस्ट लेयर सॉइल की होती है ये नॉर्मली आप देखो ये डार्क कलर की होती है। ये क्यों डार्क कलर की होती है, डार्क ब्राउन से कलर की होती है, क्यों होती है डार्क ब्राउन कलर की बच्चे, क्योंकि इसके बीच में ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस क्या है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड ऑन डिकेइंग रिमेन्स हैं उसमें रह जाते हैं, तो वो सब टॉप मोस्ट लेयर में होते हैं, और वो जो ह्यूमस है आपका वो डार्क इन कलर ही होता है, इसलिए सॉइल का कलर डार्क होता है टॉप मोस्ट लेयर का। ठीक है, और ये वाली जो सॉइल होती है आपकी बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत पोरस होती है। क्योंकि ये पोरस और सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि इसमें जितना मर्जी आप ज़्यादा पानी छोड़ो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो बहुत ज़्यादा पानी सॉइल जो है अपने अंदर सोख सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। डैट इज़ वाई इट इज़ सॉफ्ट एंड पोरस लेयर। ये सॉफ्ट एंड पोरस लेयर ऑफ सॉइल होती है जो कि है जिसमें आपकी प्लांटेशन बहुत अच्छी होती है, इसीलिए टॉप मोस्ट लेयर पे जो है ये वाले सॉफ्ट और पोरस सॉइल पे आपकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है। ये और ये जो ए और हॉरिजन है, ये वाली टॉप सॉइल जो है ये इट प्रोवाइड्स होम टू मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होम प्रोवाइड करती है, जो आपकी है ना ये आपके अर्थ वर्म्स स्नेल्स वगैरह ये सारे कहाँ रहते हैं, ये टॉप मोस्ट लेयर में ही रहते हैं, ए हॉरिजन में रहते हैं। और यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है क्योंकि पोरस है, रिच इन ह्यूमस है, सॉफ्ट है, और ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इसलिए ये यहाँ पे जो है प्लांटेशन बहुत अच्छी होती है। ये आपकी पूरी डिटेलिंग है ए हॉरिजन या टॉप सॉइल की। आगे हम डिस्कस करते हैं बी हॉरिजन। बी हॉरिजन को आप सब सॉइल भी कहते हैं, और ये जो है आपकी ए हॉरिजन से या टॉप सॉइल से ज़्यादा हार्ड होती है और ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है। ये मतलब आपने अगर आपने अभी आपको मैंने आपको बताया है कि ए हॉरिजन में जो आपकी सॉइल है बहुत सॉफ्ट और पोरस होती है। सॉफ्ट और पोरस का मतलब क्या है, वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होती है। ये जो बी हॉरिजन है ये इतनी सॉफ्ट नहीं होती, ये हार्ड होती है थोड़ी, और ये कॉम्पैक्ट होती है, ये बहुत टाइटली पैक्ड होती है, ये टाइटली पैक्ड होती है, इसी कारण ये पानी रिटेंशन इसमें जो पानी एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है वो कम है। ठीक है, और ये जो है आपके यहाँ पे बहुत कम ह्यूमस होता है, ह्यूमस सबसे ज़्यादा आपके टॉप सॉइल पे होता है, जहाँ वहीं पे हमारी एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन ज़्यादा पॉसिबल होती है। और ये जो आपकी बी हॉरिजन सॉइल है ये इसमें बहुत थोड़ा होता है ह्यूमस, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता, बट बहुत कम होता है, और ये सॉल्युबल मिनरल्स में रिच होती है, इसमें सॉल्युबल मिनरल्स जो मिट्टी में मिल जाते हैं उनमें ये रिच है, और इसका कलर थोड़ा लाइट होता है। ऊपर वाली टॉप सॉइल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन होता है और इसका थोड़ा लाइट कलर होता है। बी हॉरिजन में जो है जो इसमें यहाँ तक कौन पहुँचता है, जो आपके पुराने ट्रीज या बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं उनकी रूट्स जो हैं वो भी इस लेयर तक सब सॉइल तक पहुँचती हैं, बाकियों की नहीं पहुँचती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपका मैंने बताया कि ए हॉरिजन और बी हॉरिजन में क्या डिफरेंस है। ओके बच्चे, अब हम डिस्कस सी हॉरिजन। सी हॉरिजन और बेड रॉक, मतलब हमने सी हॉरिजन और
एंड आर हॉरिजन, दोनों की दोनों हम इकट्ठे करेंगे। ये क्या कहता है, लोअस्ट, सबसे लोअर जो आपकी लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर है, उसको हम सी हॉरिजन कहते हैं। इसके बीच में यहाँ पे जो इट इज़ मेड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड रॉक्स विद क्रैक्स, जो हार्ड स्टोन्स और रॉक्स हैं जिनके बीच में क्रैक्स पड़े हुए हैं, वो वाले उनको कॉम्बिनेशन कंबाइन करके ये आपकी बनी होती है सी हॉरिजन की जो सॉइल है। इस लेयर के नीचे आपकी बेडरॉक आती है जिसको हम आर हॉरिजन भी बोलते हैं। आर हॉरिजन में क्या है, एक बहुत बड़ा सॉलिड रॉक होता है, बहुत बड़ा सॉलिड, एक ही रॉक है बहुत बड़ा है वो होता है, और यहाँ से आपकी वेदरिंग स्टार्ट होती है। यहाँ से जब आपकी वेदरिंग स्टार्ट होती है तो होते 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 छोटी छोटी सॉइल बनती है और फिर वो टॉप मोस्ट लेयर तक पहुँचती है जो हमने डिस्कस किया है। सो वेदरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी इसमें समझाया है, जब आपके साथ मैंने पूरा ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिस्कस किया तब मैंने आपके आपको पूरा समझाया। तो वेदरिंग आप उससे रिकॉल करो अपना कि वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी सारी आती है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, सॉरी सॉइल प्रोफाइल, हमारी सारी ये आती है सॉइल प्रोफाइल, हमने डिस्कस किया। इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आ भी कम्स टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल अभी तक हमने जो हमने किया क्या था कि सॉइल हमारी प्रोफाइल क्या है, उसकी लेयर्स में क्या क्या है, अब हमने पढ़ना है कि कितनी तरह की सॉइल है, सॉइल की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो डिस्कस। सो जो आपकी टॉप सॉइल है मींस ए हॉरिजन है, जो टॉप सॉइल है उसमें इट मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन काइंड्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स, उसमें तीन तरह के रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो वो पार्टिकल, वो तीनों टाइप के रॉक पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। और जो हमने सॉइल्स भी, सॉइल को हमने जो क्लासीफाई करना है वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप के सॉइल में कौन सा रॉक पार्टिकल ज़्यादा है और कौन सा पार्टिकल कम है, डिपेंड करेगा उस रेशियो पे, जिसमें वो ज़्यादा होगा वो एक तरह की सॉइल लगेगी, जिसमें वो कम होगा वो दूसरी तरह की सॉइल लगेगी। मीन्स अगर आपने जो सॉइल को क्लासीफाई करना है, इट विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ दीज रॉक पार्टिकल्स, ठीक है। सो जो पार्टिकल्स हैं अब हमने वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आते हैं क्ले पार्टिकल्स। क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और दीज आर स्मूथ टू टच, मतलब ये आराम से हाथ को टच करने में सॉफ्ट लगते हैं, स्मूथ लगते हैं, वो हमारे क्ले पार्टिकल्स होते हैं। और ये बहुत थोड़े साइज़ में होते हैं, बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, थोड़े नहीं सॉरी बेटा, ये छोटे साइज़ में होते हैं। देन कम सिल्ट पार्टिकल्स। अब सिल्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो वो क्ले पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे के पार्टिकल्स होते हैं, उससे थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है सिल्ट पार्टिकल्स का, ठीक है। और एक हमारे आते हैं सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स जो सबसे बड़े होते हैं और वो हमारे रफ़ होते हैं टच करने में, मतलब टच करोगे तो सॉफ्टनेस स्मूथनेस नहीं होती है उनमें, वो हमारे सैंड पार्टिकल्स होती हैं। सॉफ्ट, सबसे ज़्यादा स्मूथ कौन से, वो हमारे क्ले पार्टिकल्स आते हैं। ये क्ले पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स के अलावा हमारा जो सॉइल में है वो स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, या उनको हम ग्रेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्मॉल स्टोन्स या ग्रेवल्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बट सैंड है, सैंड में बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे, थोड़े छोटे ही होते हैं, और उनको हम ग्रेवल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सॉइल में मेरे क्या क्या है, क्ले पार्टिकल्स है, सिल्ट पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है और ग्रेवल्स है। आगे चलते हैं, आप करते हैं, हमने बोला, मैंने आपको पहले बताया था हमने टाइप्स ऑफ सॉइल करनी है। तो पहली आती है हमारी सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल हमारी क्या होती है, सैंडी सॉइल सबसे वो होती है विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट। सैंड पार्टिकल्स जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं और क्ले और सिल्ट हमारी कम होती है, ठीक है। ये ज़्यादा कहाँ मिलती है, डेजर्ट्स में। अब जैसे यहाँ पे राजस्थान वगैरह साइड पे आपको ज़्यादा सैंडी सॉइल मिलेगी। सैंडी सॉइल जो होती है उसमें लार्ज एयर स्पेस होती है, वो एयर को बहुत, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा, जिससे वो एयर को उसमें रखती है, बहुत ट्रैप करती है, बहुत वाइड स्पेस होती है।
उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, क्योंकि सैंडी है तो वाटर रिटेन नहीं कर पाती है, सारा का सारा वाटर जो है उसमें होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है वो। इसको वेल एरेटेड और ड्राई सॉइल भी हम बोलते हैं। अनदर नेम ऑफ सैंडी सॉइल इज़ वेल एरेटेड एंड ड्राई सॉइल। ओके, जिसमें आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है और जिसमें लार्ज एयर स्पेसेस हैं। ये कहाँ सूटेबल है? ये आपकी बारले ग्रो करना है, मेज़ ग्रो करना है या मिलेट्स ग्रो करने हैं, उसके लिए बहुत अच्छी सॉइल है, क्योंकि वहाँ पे आपको पानी कम चाहिए। उन चीज़ों के लिए सैंडी सॉइल बहुत बढ़िया है। बट अगर आप दूसरी साइड जाओ, पैडी के लिए सैंडी सॉइल नहीं अच्छी, क्योंकि पैडी कहाँ रहती है? वो तो खड़े पानी में होती है, उस वहाँ पे आपका पानी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो सैंडी सॉइल में कौन सी आपकी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होंगी? बारले, मेज़ और मिलेट्स। ये आपको क्वेश्चन 1 मार्क आ भी सकता है कि कौन सी क्रॉप सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल हैं, तो वो आएगी बारले, मेज़ और मिलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल दूसरी टाइप की सॉइल है। क्लेई सॉइल नाम से ही पता चल रहा है, जिसके बीच में हमारे क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और ह्यूमस और सिल्ट बहुत कम होती है। इट कैन होल्ड वाटर बट कैन नॉट ट्रैप एयर। देखो पिछले में क्या था, वो पानी होल्ड नहीं कर सकती थी पर हवा बहुत ज़्यादा थी। पर यहाँ पे सैंडी सॉइल में वाटर रिटेंशन होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं थी, बट एयर एयर बहुत ज़्यादा थी। और क्लेई सॉइल में आपकी वो वाटर होल्ड कर लेती है पर उसमें एयर नहीं वो कंट्रोल कर पाती, एयर नहीं रहती उसके बीच में। सो इट कं क्योंकि वाटर होल्ड करी तो इट कंटेन्स मैनी मिनरल्स, क्योंकि वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर पैडी ग्रोथ। ये मैंने आपको पहले ही बताया, सैंडी सॉइल में पैडी नहीं हो सकती, पैडी तो वही होगी जो पानी रिटेन कर सकता है। क्लेई सॉइल में पानी रिटेंशन की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो पैडी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। और ये वो सॉइल है जो, क्योंकि ये क्लेई सॉइल है तो ये वैसी सॉइल है जो आपकी टॉयज़ बनाने में, पॉट्स बनाने में या स्टैचूज़ बनाने के लिए काम आती है। आप देखो आपको जो डेकोरेशन पीसेज आपको मिलते हैं मिट्टी के बने हुए, तो वो क्लेई सॉइल से बने होते हैं। या आप दिवाली पे दिए लेके आते हो तो वो क्लेई सॉइल के बने होते हैं। पॉट्स वगैरह, स्टैचूज जितने भी हैं, वो सारे हमारे इसके क्लेई सॉइल के बने होते हैं। ठीक है, लोमी सॉइल। अब आई बारी लोमी सॉइल की। हमने देखो दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जो क्लेई सॉइल में है। क्लेई सॉइल में वाटर, सॉरी, आपकी जो क्लेई सॉइल में जो आपकी जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है पर वो एयर नहीं ट्रैप कर पाती। और जो आपकी सैंडी सॉइल है वो आपकी एयर बहुत अच्छी ट्रैप कर लेती है पर वो वाटर नहीं होल्ड कर पाती। अब आती है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कौन सी है? उसमें क्ले भी है, सिल्ट भी है, सैंड भी, और ह्यूमस भी है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, राइट प्रोपोर्शन में, जितना एक क्रॉप में होना चाहिए, सॉरी सॉइल में होना चाहिए उस प्रोपोर्शन में है। और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, इसकी पोरस भी है। ऑब्वियसली जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो सॉफ्ट और पोरस होगी, मतलब एयर भी अच्छी है। तो वो ये सबसे ज़्यादा आपकी लोमी सॉइल सुटेबल है सारी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि क्रॉप कल्टिवेशन के लिए, क्रॉप अच्छी होने के लिए आपकी एक तो सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी चाहिए और दूसरे आपकी वो एयर भी ट्रैप करें, ताकि उसको प्लांट को एयर भी मिले और वाटर भी मिले, न्यूट्रिएंट्स भी सारे प्लांट को मिले। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या हमारी प्रॉपर्टीज, अब हमने वो डिस्कस। सो इसमें पहले हम डिस्कस करते हैं परकुलेशन रेट ऑफ वाटर। अब ये नया वर्ड है, परकुलेशन रेट ऑफ वाटर। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर होता क्या है? परकुलेशन रेट ऑफ वाटर बेसिकली वो होता है कि जो ये आपकी, हमने 3 टाइप की सॉइल्स पढ़ी हैं, जो सॉइल आपकी पानी को कितनी जल्दी वो नीचे बेड रॉक तक भेजेगी, अपने आप में सोख करती है, और कितनी फास्टली वो बेड रॉक तक पानी वहाँ से पास ऑन होगा, उसको हम बोलते हैं परकुलेशन रेट ऑफ टाइम वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन थ्रू द सॉइल इन यूनिट टाइम। परकुलेशन रेट का फॉर्मूला है, ये मिली लीटर पर मिनट है। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर मिली लीटर्स में लोगे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू परकुलेट मिनट्स में लोगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको कई बार आ भी जाता है। ठीक है, अब देखो सैंडी सॉइल में क्या प्रॉपर्टी थी, वो वाटर को रिटेन ही नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता इतना, तो सब उसमें वाटर, वो वाटर जो है सबसे बहुत जल्दी बेड रॉक में जाएगा, फास्ट होगा परकुलेशन टाइम उसका।
और जो क्ले सॉयल है वो वाटर को होल्ड करता है, वो होल्ड करता है तो वो धीरे धीरे पानी बेड रॉक तक जाएगा, स्लो होगा, ठीक है। और परकुलेशन रेट ऑफ टाइम ऑफ सैंडी सॉयल इज फास्ट एंड ऑफ क्ले सॉयल इज स्लोएस्ट। इसमें हम लोमी सॉयल की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। आगे चलते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल। अब ये देखना है हमने कि सॉइल हमारी कितने, उसमें मॉइस्चर को, सॉइल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना वो पानी को, अमाउंट ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट है। जो सैंडी सॉइल होएगी उसके भी में सबसे कम होगा क्योंकि वो पानी ट्रैप ही नहीं करती है ना, कंट्रोल ही नहीं करती है, वो अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, होल्ड नहीं करती है, इसलिए उसमें मॉइस्चर लेवल कम होगा। और जो क्ले सॉइल है उसका मॉइस्चर हाईएस्ट होगा क्योंकि वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हमने अभी बात की, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितना वो रिटेन करती है। क्ले सॉइल में जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करती है, और जो सैंडी सॉइल है वो सबसे कम, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करती है। नाउ कम सॉइल इरोजन। हम पूरा सॉइल का डिस्कस कर चुके हैं, कैसे सॉइल बनती है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, देन सॉइल के बीच में क्या क्या होता है, कॉम्पोजिशन, प्रोफाइल, टाइप, सब कर चुके हैं। अब हम सॉइल इरोजन पे आते हैं। अब सॉइल क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात आती है कि व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो हवा और पानी के बहाव से, अगर हवा विंड तेज चल रही है, और आपकी कुछ देखा होगा आपने, जब हवा बहुत चलती है तो मिट्टी उड़ती है, ऐसे ही अगर आपकी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो पानी के बहाव से मिट्टी भी आपकी आ जाती है। ये जो आपकी एक जगह से सॉइल आपकी खेत में से निकल के कहीं और जा रही है, स्वाइप अवे हो रही है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ओके बेटा, ये आपके विंड के एक्शन से हो रही है या आपकी फ्लोइंग वाटर के एक्शन से हो रही है, और ये आपकी टॉप लेयर सॉइल की जाती है जो हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। नॉर्म सबसे ज़्यादा ये सॉइल इरोजन होती है आपकी ज़्यादा वहाँ पे डेजर्ट्स में, सैंडी सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल जो है वो इतनी हैवी नहीं होती, वो वाटर रिटेन नहीं करती, वो हल्की होती है, तो वो इजीली स्वाइप अवे हो जाती है, ठीक है। और ये सॉइल इरोजन का जो है आपका नेचुरल प्रोसेस है, ये इसमें कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण होता है, ये कोई आपका मैन मेड एक्शन नहीं है जिसमें सॉइल इरोजन हो रही है। अब जैसे देखो, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप हिल स्टेशंस पे देखो, वहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं आपकी कोन शेप में होते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया माउंटेन्स की शेप, आप छोटे होते से आप नेचुरल सीन की पेंट ड्राइंग करते हो, पेंटिंग ड्रॉ करते हो, तो उसमें आप कोन शेप में बनाते हो ना माउंटेन्स को, तो ये जो आपके माउंटेन्स होते हैं ये कोन शेप में होते हैं, ये बहुत स्टीप, इनकी स्टीप स्लोप्स होती हैं, मतलब काफ़ी इनकी स्टीप होती हैं, एकदम से ढलान नीचे आती है, तो इस कारण क्या है कि आपकी पानी, अगर आपका पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो उसके कारण आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा बह जाएगी, सॉइल इरोजन होगी। और अब आप सोचो, अगर किसी फार्मर ने ऐसे ही उसके ऊपर अपनी कल्टीवेशन शुरू की है, फार्मिंग शुरू की है, तो उसकी तो सारी की सारी मिट्टी बह जाएगी, उसकी जो उसने प्लांट्स ग्रो किए हैं वो सारे के सारे मतलब वो पानी के प्रेशर से, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि पानी के प्रेशर से या हवा ज़्यादा चली उससे सारे की सारी वो स्वाइप अवे हो जाएगी। ये नॉर्मली सॉइल इरोजन विंड के एक्शन से होती है, कहाँ पे, डेजर्ट्स में ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल होती है जहाँ पे। अब इसको हम आगे मैं आपको डिटेल हैं कि कॉजेस क्या हैं हमारे सॉइल इरोजन के। अभी तो हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन क्या होती है, अब आते हैं कि वो क्यों, किन किन कारणों के कारण सॉइल इरोजन हमारी हो रही है। अब देखो, अगर लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज होगा, जिसको आप लार्ज कटिंग ऑफ ट्रीज को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं ना, और अगर हम ज़्यादा प्लांट्स ट्रीज लगा रहे हैं तो उसको हम अफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कटिंग करें ट्रीज की तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन को, सॉइल को इरोड होने में बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। देन कम्स ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट। अगर
फॉरेस्ट में एनिमल्स ओवर ग्रेज कर लें, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाए एक जगह की, तो वहाँ पे क्योंकि प्लांट सारे खाए जाएंगे, तो सॉइल अगर अब थोड़ी सी हवा चलेगी या पानी बारिश होगी तो सॉइल आपकी इरोड हो जाएगी। देन क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग और फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। अगर आप फॉरेस्ट को काट देते हो, क्लियर कर देते हो, मीन्स आप प्लांट्स ही काट रहे हो, ट्रीज काट रहे हो, किसके लिए? फार्मिंग के लिए जगह अवेलेबल हो जाए या आपकी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो जाए, तो उस केस में क्या है, वो सॉइल इरोजन होगी। देन कम्स लीविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड आफ्टर प्लोइंग और एंड टिलिंग। ये देखो, जो हमारी एग्रीकल्चर के जो मेन फर्स्ट स्टेप्स होते हैं वो प्लोइंग और टिलिंग होता है। पहले हम लैंड को अच्छे से, सॉइल को प्लो करते हैं और टिलिंग करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, हमारी उसमें न्यूट्रिएंट्स सारे आ जाएं और सारे हमारी हवा आए उसमें, ताकि हम जो उसमें प्लांट्स उगाएंगे बहुत अच्छे से हमारे ग्रो करें, वाटर भी अच्छे से वो एब्जॉर्ब करें। पर अगर आप एक लैंड को अब आपने प्लो कर दिया, टिल कर दिया, उसके बाद में उसके ऊपर आपने सीड्स लगाए नहीं है, प्लांट्स आपने लगाए नहीं है, और ऐसे ही उसको कल्टिवेटेड छोड़ दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो है लैंड वो ज़्यादा से ज़्यादा खराब होगा, ठीक है, तो आपकी सॉइल इरोजन होगी। अगर आपकी प्लोइंग, जो हमारी प्लोइंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप प्लोइंग करते हो तब भी आपकी सॉइल इरोजन होगी, और या अगर आपके फॉरेस्ट फायर्स हो जाए, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो भी आपकी सॉइल इरोजन होगी। सो ये तो आपके बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारे क्यों सॉइल इरोजन हो रही है। इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो नाउ आई थिंक यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अब हमने कर लिया कि सॉइल इरोजन होती क्यों है, अब सॉइल कंजर्वेशन क्या है। सॉइल कंजर्वेशन एक बहुत, क्योंकि सॉइल देखो, हमने इतनी देर से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल सोर्स है। ये ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है और ये बहुत आपको नेचर ने आपको दिया है, जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अभी तक आपने पढ़ा कि इसकी पता चल गया होगा आपको कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है अगर सॉइल नहीं होगी, ठीक है। सो इससे आपकी कल्टीवेशन भी होती है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपको फूड आइटम्स मिलती हैं, सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम सॉइल के, अगर सॉइल नहीं होगी तो उसके लिए लाइफ अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो हमारे को भगवान से नेचुरल गिफ्ट हमारे को मिला है सॉइल का, वो हमें प्रॉप इसको ये अब ज़रूरत बन गया कि हम उसको कंजर्व करें, हम उसको संभाल के रखें। नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम डैमेजिंग एक्टिविटी एंड इरोजन। जो हमने डैमेजिंग एक्टिविटीज़, कोई खराब, जिससे सॉइल हमारी ख़राब होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी या हमने सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करना है, हमने उसको बचा के रखना है सॉइल को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। अब आती है बात कि हम कौन कौन से तरीकों से सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को बचा सकते हैं। ये फर्स्ट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड ग्रास। अगर हम ज़्यादा ट्रीज और ग्रास लगाएंगे तो हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, अगर आप ट्रीज और ग्रास लगाओगे तो सॉइल आपकी जो, अगर आपकी हवा चलती है तो वो उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जो ट्रीज की रूट्स होती हैं, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वो सॉइल को अपने साथ पकड़ के रखती है, तो वो इरोजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और स्टेप फार्मिंग, अब देखो स्टेप फार्मिंग में आपको एक बात बताती हूँ। अब राइट साइड पे एक पिक लगी हुई, ये देखो, ये माउंटेन, देखो माउंटेन्स आप देख रहे हो, माउंटेन्स कोन शेप के होते हैं, यहाँ पे ये सारी स्टेप फार्मिंग है। स्टेप फार्मिंग क्यों करते हैं माउंटेन्स में? ताकि अगर ऊपर से पानी का बहाव होता है, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे अगर सॉइल इरोजन शुरू हुई है तो सॉइल यहाँ से सेकंड स्टेप पे जाएगी, थोड़ी सी यहाँ रुक जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर थोड़ी सी यहाँ रुक जाएगी, ऐसे करते करते सॉइल जो लास्ट स्टेप तक जाते जाते आपकी सारी इरोड नहीं हो जाएगी, आपके लैंड पे ही पड़ी रहेगी। इसलिए माउंटेन्स में ज़्यादा स्टेप फार्मिंग होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो फेवरेबल, करनी भी चाहिए हमें माउंटेन्स में। नॉर्मल फार्मिंग जैसे हम प्लेन्स में करते हैं वैसी नहीं करनी चाहिए, स्टेप फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। ऑयल और क्या है सॉइल को कंजर्व करने के मेथड? आप डैम्स बनाओ या आप रिवर एम्बाकमेंट्स बनाओ।
अगर हम डैम्स बनाते हैं या रिवर एम्बाकमेंट्स बनाते हैं, तो अगर आपकी बारिश हो रही है, बारिश ज़्यादा हो जाती है डैम के कारण, सारा का सारा पानी आपका कंजर्व हो जाएगा, जो लेटर ऑन आपके इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ हो जाएगा या लेटर ऑन वैसे भी आपका यूज़ हो सकता है। और अगर हम रिवर एम्बाकमेंट्स बनाएंगे तो वो इधर उधर पानी फ्लो नहीं होगा, वो रिवर में ही रहेगा। और एक हम देखो एनिमल्स को ओवर ग्रेजिंग के लिए एक ही जगह पे मत छोड़ें। अगर हम एक ही जगह पे छोड़ेंगे एनिमल्स को, तो पता नहीं है ना हमने कहाँ से खाना है कहाँ से नहीं। वहाँ पे तो अगर आप उनको खुली जगह पे छोड़ दोगे, एक ही जगह पे रोज़ 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 लेते आते रहोगे, तो वो क्या करेंगे, वो तो सारे की सारी वहाँ की ग्रास खा लेंगे, ग्रास खा लेंगे, प्लांट्स छोटे छोटे खा लेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, आपकी सॉइल इरोजन होगी। तो इट्स बेटर आप ग्रेजिंग के लिए छोड़ो अगर एनिमल्स को, एक ही जगह पे हर रोज़ डेली बेसिस पे एक ही जगह पे मत लेके आओ, सो डैट वो लैंड को, अगर उन्होंने एक जगह पे उन्होंने खाना खा लिया है वहाँ की, उन्होंने ग्रेजिंग कर ली है, तो उसको थोड़ा फिर होने दो, किसी और जगह पे ले जाओ, उनकी जगह चेंज करो, सो डैट आपकी जो है सॉइल की प्रिवेंशन हो, कंजर्वेशन हो। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।